में जो जसिया में जाट मार रैली है उसमें सब चीज़ें हमारे निगरानी में है, और मैं नहीं समझता ऐसी कोई समस्या आने वाली है। फिर भी जो जो जहाँ जहाँ विरोध है और जिस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं और जो जींद में जो घटनाएं हुई उसका जो यहाँ फॉलोआउट हो सकता है, उन सब चीज़ों पे हम जो है ना बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। अभी मैं और कमिश्नर साहब पूरे एरिया का दौरा करके आए, हम इधर मेहम तक और इधर गोहाना साइड खरकोदा साइड पूरा घूम करके आए हैं, और सोनीपत में अधिकारियों से गोहाना में मीटिंग भी की है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई कठिनाई मेरे को दिखाई दे रही है, और कल सारा कुछ शांतिपूर्वक निपट जाएगा। इसके लिए हमने जो सुनारिया में हमारे 1,100 के करीब जो जवान हैं उनको हमने ड्यूटी पे कॉल आउट किया है, 600 जवान हमने रोहतक में दिए हैं और बाकी दूसरे ज़िलों में दिए हैं। इसके अलावा मधुबन से भी करीब 400-500 कर्मचारी हमारे को एक्स्ट्रा मिले हैं रोहतक में ड्यूटी के लिए। तो पर्याप्त पुलिस फोर्स है हमारे पास, और हमने जो रोहतक शहर के आसपास जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पर नाकाबंदी की है, और जो रैली में आने वाले लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपना शांतिपूर्वक आए और शहर के रास्तों को अवॉइड करें, बाहर से अपना जो आउटर में जो रास्ते बनाए गए हैं उनसे जा करके अपना रैली में शांतिपूर्वक जाए, शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएँ। इसके अलावा जो रैली संयोजक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो उन्होंने वॉलंटियर्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो वॉलंटियर्स को लगाएं और शांति बनाए रखें, और जो भी लोग इसको करवा रहे हैं वो अपना शांतिप्रिय तरीके से कार्रवाई करें। यहाँ से जींद जाने वाले रास्ते हैं जो हमारी रेंज से सोनीपत से रोहतक से जो जींद जाने वाले रास्ते हैं उसमें पेट्रोलिंग पार्टीज़ और अलग अलग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं ताकि रास्ते में कोई किसी प्रकार का तनाव या टकराव ना होने पाए। और इसी कड़ी में जो इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है वो भी मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है, जिससे कोई भ्रामक संदेश फैलाने में जो है सही रहेगा। सर, खुफिया एजेंसियों ने कोई से जो सोशल मीडिया पे जो भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं उसको हम बहुत सख्ती से ले रहे हैं, और कोई भी ऐसा पोस्ट डालता है जिसमें कोई कानून की उल्लंघना है तो उसके खिलाफ हम ज़रूर FIR लॉन्च करेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हमने FIR लॉन्च की भी है।